हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं वायरल गेम्स। ओके देन फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मॉस्को की। तो मॉस्को मुझे काफ़ी पसंद आया है। यहाँ पे हीरो जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ तो भाले फेंकने का काम करता है। ओके मार्क्समैन हीरो है एंड देन गजब हीरो लगा यार मुझे। मैंने पहले इसको प्लान नहीं किया था बट यहाँ पे मुझे फ्री ट्रायल के अंदर कार्ड उसका मिला था, क्योंकि जब भी मैं कोई हीरो बाय करता हूँ न्यू, ओके तो बाय मैं तभी करता हूँ जब फ्रेंड्स जब उससे मैं फुल सेटिस्फाई हो जाऊँ कि हाँ ये हीरो मेरे लिए बेस्ट है। ओके हीरो अपनी जगह पे सभी बेस्ट है। ओके देन बट यहाँ पे होता है प्ले करने का कि आपके हाथ में वो बैठता है हीरो फाइटिंग के लिए, या फिर आप जो भी जिस टाइप का हीरो हो ओके कि फाइटिंग के लिए अगर बैठता है तो ही आप उसको बाय कर सकते हो। ओके तो अपना अपना एक नतीजा होता है फ्रेंड्स कि आपको वो हीरो पसंद आया आपके हाथ में बैठा या नहीं बैठा, आप उससे प्ले कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। बट मैं अगर मेरा बोलूं एंड देन तो मॉस्को मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा। ओके मैं बाय भी उसको करूँगा। देन मुझे फ्री ट्रायल में मिला था यहाँ पे, आप देखोगे तो जस्ट यहाँ पे वो एक्सपायर हो चुका है अभी फ़िलहाल मेरे पास। यहाँ पे शायद शो भी कर रहा होगा। ओके यहाँ भी आप देखोगे यहाँ पे एक्सपायर लिखा हुआ नज़र आएगा आपको मॉस्को के ऊपर। तो देन इसको हम बाय भी करेंगे बट अभी मैं बाय नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 17-18 तारीख को यार मासा रिलीज होने वाली है न्यू हीरो, तो टैंक हीरो है वो एंड उसको हम बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर बैटल पॉइंट्स हमने अगर अभी मॉस्को के ऊपर खर्च कर दिए तो मासा हमें नहीं मिलने वाली है। ओके तो देन मासा के लिए मैं बचा के रखूँगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं मॉस्को को ज़रूर बाय करूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो देन यहाँ पे एक फाइटिंग भी मैं आपके उस साथ फर्स्ट मैच फ्रेंड यहाँ मैं कहूँगा मॉस्को के साथ मैंने फर्स्ट मैच खेला। लगभग मैंने मॉस्को के साथ 4 से 5 मैच खेले, जिसमें से 2 में मुझे MNP मिले, 2 में मुझे ट्रिपल किल्स भी यहाँ पे करने को मिले। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे रहा और 3 मैच में मेरे विन रहे थे और 2 मेरे लॉस में रहे थे। ओके तो न्यू हीरो था यार तो हाथ में बैठने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। 5 मैच में से 3 विन, जिसमें से 2 MVP। ओके तो देन यहाँ पे मैं भी शेयर करूँगा आपके साथ मॉस्को की फ़ाइट। तो यहाँ पे आप पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो आप भी एक बार ट्रायल वर्जन यूज़ कीजिए, ट्रायल कार्ड इसका यूज कीजिए। अगर आपके हाथ में बैठता है तो आप इसको मॉस्को को ज़रूर बाय कर सकते हो। ओके एंड मार्क्समैन हीरो के अंदर यहाँ पे ये आता है, मार्क्समैन में लेके जाऊँ तो यहाँ पे मॉस्को आप देख सकते हो। ओके एंड देन यहाँ पे एक और अपडेट थी, यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट्स कार्ड्स जिससे हम स्किन वगैरह बाय कर सकते हैं या न्यू हीरो बाय कर सकते हैं। तो न्यू हीरो बाय करने वाले फ्रेगमेंट आपको यहाँ पे फ्री मिल रहे हैं, 2 कार्ड्स मिल रहे हैं। तो किस तरह से मिल रहे हैं आपको यहाँ पे ओनली 1 मैच। ओके यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉप पे लेके जाऊँगा आपको। ओके देन शॉप पे नहीं जाएंगे हम, इवेंट में जाएंगे। ओके इवेंट चल रही है तो उस इवेंट को आप कंप्लीट कर सकते हो, ओनली 1 मैच आपको कंप्लीट करना है। ओके देन यहाँ मुझे थोड़ा सा देखना होगा शायद कहाँ है। ओके ये रही। ओके तो यहाँ पे कदिता ये जो हीरो है इसको आपको यूज करना है, फ्री ट्रायल में आपको मिला हुआ है ये हीरो। ओके तो देन इसके जरिए आपको 1 मैच प्ले करना है सिर्फ ओनली। ओके यहाँ आप देखोगे मैंने 1 मैच प्ले किया, हालांकि आप चाहे उसमें विन हो या ना हो आपको 1 मैच क्लासिक रैंक या फिर ब्राउल, तीनों में से किसी भी एक मूड में प्ले करोगे तो आपको यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट हीरो कार्ड आपको मिल जाएंगे। ओके एंड देन यहाँ पे क्लासिक रैंक एंड ब्राउल तीनों में एक एक मैच इससे प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे 4 कार्ड्स यहाँ पे रियर स्किन फ्रेगमेंट के मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आपके पास ये बाइंग में हीरो है तो ही आप ये कंप्लीट कर पाओगे। ओके और अगर नहीं है तो फिलहाल यहाँ पे ये कर सकते हो। यहाँ पे 2 फ्री कार्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे 2 हीरो मिले, एक मिला मुझे फनी और एक मिला मुझे जॉनसन। ओके 2 हीरो मुझे ट्रायल कार्ड में मिले तो काफ़ी अच्छे हैं। ओके तो देन अभी हम बात करेंगे मॉस्को की, ये थी कुछ अपडेट एंड माशा। अगर एक्सबर्ग का अगर आप सभी को शायद मैंने शेयर नहीं किया था, एक्सबर्ग मैंने रिलीज होने से फ्रेंड्स जब वो डायमंड्स के अंदर ही मिल रहा था तब ही मैंने बाय कर लिया था अपने बैटल पॉइंट से। अगर इस तरह की कोई मेरे पास कोई ट्रिक हाथ लगती है माशा को पहले ही बाय करने की विदाउट डायमंड्स, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा एंड लाइव शेयर करूँगा यार।
ओके तो देन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार रिक्वेस्ट रहेगी आपको, हमारा चैनल अगर पसंद आता है, वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब के पास आपको बेल आइकन मिलता है तो आपको बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना है ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके तो देन अभी हम जाएंगे यहाँ पे प्रोफाइल पे, मैंने ऑलरेडी सेव रख रखा है, अभी मैं लाइव प्ले नहीं कर सकता क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता है मेरे पास एक्सपायर हो चुका है, फ्री ट्रायल में अभी कोई कार्ड नहीं है मॉस्को का, तो मैंने यहाँ पे 2 मैचेस सेव करके रखे हैं। तो सेव में फ्रेंड्स यहाँ पे एक मैंने प्ले किया था मॉस्को के साथ और एक मैंने प्ले किया था यहाँ पे, यार ये कौन सा हीरो है यार, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा जिसके पास घोड़ा है। ओके तो देन यहाँ पे इसको हम मैं करूँगा लाइव, यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखा सकता हूँ। ओके तो यहाँ पे इस पूरे मैच को एंजॉय करें, यहाँ पे ट्रिपल किल भी मैंने लिए हैं। ओके तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पे रहा, शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, ये फर्स्ट मैच था मेरा मॉस्को के साथ। ओके तो शुरू में थोड़ा सा समझ नहीं पाया, तो आगे बढ़ के मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, तो शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको बट आगे जाके मज़ा आने वाला है इसके अंदर। ट्रिपल किल मैंने इसमें लिए। ओके एंड ट्रिपल किल की गिनती अगर आप देखो तो मैं भी आपको मैच के लास्ट में भी दिखाऊंगा कितने सेव्स मैंने लिए हैं, कितने ट्रिपल किल लिए हैं। ओके सेव्स फिलहाल मेरा एक ही है, मैनिक भी शायद एक ही है। ओके तो अब भी यहाँ से होता है हमारा गेम स्टार्ट, एंड यहाँ पे फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन करना चाहूँगा इसको, यहाँ पे साइड में ये नीचे जो आ रहा है इसको हटा देंगे हम इस तरह से। फ्रेंड्स आपका कोई भी मैच हो अगर तो आप उसको सेव करके एक एक्स्ट्रा फाइल में रख सकते हो बाद में देखने के लिए। यहाँ पे सेव कर रखा था मैंने इस मैच को, देन यहाँ पे आप इस मैच को एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स जब ये अटैक करता है ना तो तीनों जो आगे से ये जो छोटे छोटे आर्मी आती है इनको एक साथ वो किल कर सकता है, जिस भाले के सामने जो रेंज होती है इसकी। ओके तो जो भी आएगा वो डैमेज ज़रूर होगा। ओके तो ये काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर लगा मॉस्को का, हो सकता है आपने इसको पहले ही प्ले कर लिया हो बट यहाँ पे अगर आपने ठीक से इसको प्ले नहीं किया तो एक बार यार अच्छे से प्ले करके देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस हीरो से यार। माशा अगर अभी 17-18 तारीख को रिलीज नहीं होती ना तो मैं इसको ज़रूर 100% अभी बाय कर लेता। ठीक है यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, अभी हमें वेट करना होगा क्योंकि हमें माशा को बाय करना है। ओके देन यहाँ पे शायद फर्स्ट किल मैंने लिया, यस फर्स्ट किल नहीं था शायद, किसी ने पहले ही यहाँ पे किल कर दिया बट यहाँ पे किल हमने ले लिया है, 1 किल हमारा हो चुका है। ओके तो शायद ये इसमें मैंने 13 किल लिए हैं इसके अंदर। ओके ठीक से याद नहीं है मुझे, इसके बाद मैंने लगभग 10-15 मैच और प्ले कर लिए हैं। ओके तो देन अभी प्ले होने देंगे, इसको बड़ा कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिख सके। एंड इसकी फ्रेंड्स यहाँ पे मॉस्को को बाय करने के साथ इसकी स्किन तो यार मैं बाय करने ही करने वाला हूँ। फ्रेगमेंट में मेरे पास लगभग 220 नॉर्मल स्किन वाले कार्ड्स हो गए हैं, 250 कार्ड मुझे करना है उसके बाद मैं मॉस्को की स्किन बाय कर सकता हूँ, बट उससे पहले मुझे हीरो बाय करना होगा। बाकी इसकी स्किन तो मुझे बाय करनी ही करनी है। एंड यार इसकी स्केल्स है ना यार मुझे काफ़ी अच्छे लगे यहाँ पे। फर्स्ट स्केल जो कि हमें लगभग कुछ रेंज के आगे ले जाता है
पोजीशन आप अपनी चेंज कर सकते हो। एंड जब आप एनिमी को किल करते हो, किसी हीरो को किल करते हो, ओके, तो उस टाइम पे स्किल का जो टाइम होता है, ओके, रीसेट टाइम, वो 3 सेकंड को हो जाता है। बट यहाँ पे नॉर्मल आप आर्मी किल करने में करते हो तो 9 से 10 सेकंड में वो रीसेट होता है स्किल फर्स्ट वाला, ओके। एनिमी किल करोगे तो ओनली 3 सेकंड में रीसेट हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे लगा इसका। एंड यहाँ फ्रेंड्स अभी मैं सेकंड अगर स्केल की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेकंड स्केल है वो भी काफ़ी अमेजिंग लगा मुझे यार। सेकंड स्केल के अंदर सामने वाले एनिमी को फ्रीज कर देता है ये, ओके, चाहे वो एनिमल हो गई, जहाँ हम जितने भी एनिमल्स उनको हम अगर किल करते हैं तो उनको भी फ्रीज कर देता है, एंड सामने वाले एनिमी को भी ये फ्रीज कर देता है कुछ सेकेंड के लिए, लगभग 2 सेकेंड के लिए ये शायद फ्रीज करता है। और उस 2 सेकेंड के अंदर अगर आपके पास फुल पावर है तो आराम से आप उसको किल कर सकते हो, ओके, बिना अपने ऊपर अटैक लिए, ओके। एंड 3 जो स्केल है यार वो तो यार काफ़ी अमेजिंग मुझे लगा यार। एक कोने से दूसरे कोने में जब ये फाला भाला फेंकता है ना यार, तो उसके अंदर जो भी बीच में आता है वो लगभग 20 से 25% तक डैमेज होता है वो, ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे लगा मोस को। एंड अभी तक लगभग 2 किल हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, ओके, आगे देखते हैं और कितने किल हम ले पाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मियाँ को भी हमने ले लिया, बट यहाँ पे हम भी किल हो गए क्योंकि लास्ट में उसने जो पोजीशन वाला स्केल यूज किया था, जो ऊपर से तीर पड़ते हैं, तो वो उससे हट नहीं पाए, ओके। अगर हटते तो इसको शायद किल नहीं कर पाते, वो अपने को किल कर देती, ओके। देन यहाँ पे 3 किल हमारे हो चुके हैं और 2 हम किल हो चुके हैं, ओके। शुरू में थोड़ा सा मुझे यार यहाँ पे बोरिंग लगा, क्योंकि शुरू में जब यार इसको हम यूज करते हैं तो लगता है कि यार क्या हीरो ले लिया हमने यार, क्योंकि शुरू के अंदर जब ये हम इसके साथ प्ले करते हैं तो इसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं होता। एक नॉर्मल हीरो अपने को अगर आप उसके ऊपर अटैक करने जाएँ तो वो अपने को आसानी से मार देता है, ओके। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब तक आपका फर्स्ट स्केल कम्प्लीट नहीं होता, फर्स्ट पावर कम्प्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको वेट करना है, ओके, तब तक आपको अपना पावर बढ़ाना है, उसके बाद में अटैक कीजिए यार। एंड ब्लाइंड्स की बात करें तो ब्लाइंड्स यहाँ पे यार मैं अभी तो शेयर नहीं कर सकता, बट
जब मैं बाय करूँगा इसको तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपके साथ इसका शेयर करूँगा, क्योंकि अभी ब्लाइंड के अगर मैं अंदर अगर मैं अभी जाता हूँ तो क्या बताऊँगा, ब्लाइंड में अभी आपको मैं नहीं बता पाऊँगा। अगर हीरो होता तो ही मैं ब्लाइंड में आपको इसको शो कर पाता, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। एंड देन स्क्रीन शॉट में मैं इसके जो भी ब्लाइंड अच्छे ब्लाइंड होंगे जो मैंने यूज किए प्लेयर के लिए, जो जो मैंने स्किल्स यूज किए वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, प्रोफाइल पे आप देख सकते हो। ओके देन यहाँ पे हमारे 5 किल कंप्लीट हो चुके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे किल लिया हमने। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रिपल किल, सॉरी यहाँ पे नहीं हुआ, आगे जाके लेना होगा, वेट करते हैं थोड़ा सा।
ओके अमेजिंग यार, यहाँ पे मैंने ट्रिपल किल लिए थे देखा हमने। एंड देन गेम भी ज़्यादा नहीं चलने वाला, अभी एंडिंग पे आ चुका है क्योंकि 10 किल यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट होता ना तो यहाँ पे मैनिक भी हमारे पास आ सकता था, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया मैनिक लेने में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने देखा लगभग 11 किल्स हमने यहाँ पे लिए और 3 टाइम हम किल हुए। तो यार फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा इतना तो चलता है। ओके तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मेरा रहा। तो देन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ सके। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय एंड मासा का वेट कीजिए, देन हो सकता है हम जल्दी ही उसको बाय कर लें। ओके।